संपत्ति पावे सदा सुख संपत्ति पावे सदा जो धरे दीपावली महापर्व निर्माण महोत्सव को मनाया। कल गौतम प्रतिपदा का दिवस, वो भी बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। आज दूज है, और ये दूज का जो पर्व है ये भी बड़े हर्षोल्लास के साथ ही मनाया जाता है। इसको भैया दूज के नाम से सभी देश के लोग मनाते हैं। ये जो दिन इतने पावन दिन है कि हमारे देश का कोई भी कौम, कोई भी संप्रदाय और कोई भी धर्म परंपराएं, कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां पर इस पर्व को न मनाया जाता, क्योंकि हर परंपरा के किसी न किसी महापुरुष का कोई न कोई प्रसंग इससे जरूर जुड़ा हुआ है। तो एक ऐसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में, जन जन के पर्व के रूप में पूरे देश के अंदर इस पर्व को मनाया जाता है। कुछ ऐसे दिन होते हैं जो सारे देश से, सारी जनता से संबंधित होते हैं, ऐसे ही ये पर्व दिन है।
इसलिए अपने अपने हिसाब से अपने अपने वृत्ति के अनुसार सभी लोग इस पर्व की आराधना साधना करते हैं, इसको मनाते हैं। और जैन धर्म में तो इसका विशेष महत्व है, क्योंकि नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण है, गौतम महाप्रभु का केवल ज्ञान केवल दर्शन जो है दिवस है। तो इसलिए हमारी परंपरा में तो ऐतिहासिक है, तो ऐतिहासिक पर्व होने के कारण अपने समाज में बड़े विशेष रूप से ज्ञान ध्यान के द्वारा तपस्या के द्वारा इस पर्व को मनाया जाता है। और जो भगवान महावीर स्वामी ने अंतिम धर्म देशना दी उत्तराध्यान सूत्र की वाचनी उन्होंने प्रदान की, और उस तमाम आराधना साधना को प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में अपनाने वाले गौतम महाप्रभु थे, जो महाशक्ति संपन्न थे। और कल भी उनके संबंध में कुछ बातें बतलाई गई थी। उनके जीवन में जिस समय उन्होंने दीक्षा ली भगवान महावीर स्वामी के चरणों में, उस समय हमारे देश के भारतवर्ष के सबसे बड़े विद्वान थे, और उनके पास 500 शिष्य अध्ययन करते थे। 500 शिष्यों का परिवार उनके संरक्षण में अध्ययन करता था, तो उनका कितना बड़ा गुरुकुल चलता था, इतने बड़े गुरुकुल के वो स्वामी थे। और तमाम ज्ञान ध्यान को करने वाले महापंडित थे। और भगवान महावीर स्वामी के पास आने के बाद उनको ऐसा बोध हुआ, और भगवान महावीर स्वामी के मुंह से त्रिपदी को जिस समय सुना, तो उनको 14 पूर्वों का ज्ञान कहकर गया हो गया त्रिपदी को सुनकर के। तो हम अनुमान लगा सकते हैं वो कितने बड़े थे, कितने आत्मज्ञानी थे, कितने आत्मबली थे, कितने अद्भुत शक्ति को धारण करने वाले थे। इसके बावजूद उनके जीवन के अंदर परम सरलता और परम विनम्रता जो है विद्यमान थी। एक छोटे से उदाहरण से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, ऐसी साधना करने वाले, वर्षों तक साधना करने वाले गणधर गौतम 14,000 साधुओं के ऊपर वो सबसे बड़े मालिक थे, सारे संघ की व्यवस्था वो करने वाले थे। वो जिस समय बेले के पारने के लिए गोचरी को जा रहे थे, तो उनको नगर के अंदर पता लगा कि लोग बात कर रहे थे कि भगवान महावीर स्वामी का जो शिष्य श्रावक है आनंद श्रावक, उसने अंतिम संलेखना कर ली है, उसने अंतिम संथरा ग्रहण कर लिया है, वो मृत्यु तक के लिए खाने पीने सब चीजों का त्याग, अंतिम संथरा उन्होंने अंगीकार कर लिया। तो ये चर्चा जो है उन्होंने सुना। जब ये चर्चा सुना, भगवान महावीर स्वामी का शिष्य है और उद्योगपति है, अपार वैभव का मालिक है, उसने अरबों की संपत्ति देश और समाज के लिए खर्च किया है, उसने संथरा धारण कर लिया है, चलो उससे मिल करके आते हैं, देख के आते हैं। गृहस्थ में रहते हुए ऐसी साधना उसने की है, ऐसा उपकार किया है, ऐसे करोड़ों लोगों को उन्होंने बसाया है, देश के काम आए हैं। तो वो श्रावक को मिलने के लिए उनके पोषण शाला के अंदर चले गए। जिस समय संथारे में बैठे हुए आनंद श्रावक को ये पता लगा गौतम महाप्रभु पधार रहे हैं, तो उसको इतनी खुशी हुई
वो संथारी के अंदर लेटे हुए थे, उठ करके बैठे और लेने के लिए आगे तक वो क्या हुए, पोषशाला में गए, दरवाजे के ऊपर जाकर के उनका स्वागत सत्कार किया कि भगवान आपने तो अपरंपार कृपा की, ऐसे समय के अंदर आप पधारे, आपका इतना अनुग्रह, आपकी इतनी कृपा। उन्होंने खूब खूब उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, अंदर प्रवेश करने के लिए आग्रह किया, पाठ पाटला उनको दिया, भी आप विराजें थोड़ी देर के लिए, गौतम महाप्रभु वहां पर विराजे उनके पोषशाला में। और उन्होंने पूछा तुम्हारी साधना ठीक चल रही है, तो जिस समय पूछते पूछते उसने बतलाया भाई ऐसा ऐसा ये करते करते मेरे ऐसा ज्ञान हुआ है, ऊपर की दिशा में वहां तक, नीचे की दिशा में वहां तक, तिरछी दिशा में वहां तक, मैं साफ साफ क्या कर रहा हूं देख रहा हूं। जब उसने जो अभिज्ञान हुआ था उसका वर्णन सुना तो गौतम महाप्रभु सोचने लगे ये गृहस्थ को इतना बड़ा ये ज्ञान कैसे हो सकता, इतना विराट ज्ञान कैसे हो सकता। उनको कभी ऐसा प्रसंग नहीं आया था, अपने ज्ञान का उपयोग करके देखते नहीं थे, वो भगवान महावीर स्वामी के शिष्य थे, उनसे ही पूछते थे, उनकी ये विनम्रता थी। उनको ये डाउट हो गया भाई ये श्रावक भावावेश के अंदर क्या कर रहा बोल रहा। तो सुनने के बाद गौतम ने कहा आनंद तुम खुशी के मारे बोलते चले जा रहे हो, एक गृहस्थी को गृहस्थी में रहते हुए इतना लंबा चौड़ा अवधि ज्ञान का होना ये संभव नहीं। असत्य भाषण हो रहा तुम्हारे मुंह से, या जो पहचान होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो आनंद ने कहा भगवान अगर ऐसा कुछ भी तुम भावावेश में बोले हो तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, आलोचना कर लेनी चाहिए। इतना लंबा चौड़ा ज्ञान जैसे तुम बतला रहे हो ऐसा श्रावक जीवन के अंदर होना संभव नहीं है। तो आनंद ने कहा भगवान आपका जो शासन है, भगवान महावीर स्वामी का शासन है जो आप ही संचालित करते हैं, इस शासन के अंदर सत्य बोलने का प्रायश्चित होता है या असत्य बोलने का प्रायश्चित होता है, इसमें सच बोलने वाला उसको प्रायश्चित करना चाहिए या असत्य भाषण करने वाला उसको प्रायश्चित लेना चाहिए, आपके शासन की व्यवस्था क्या है। क्योंकि आनंद गाथापति भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, अद्भुत था, अपार सांसारिक साधन होने के बावजूद वो बारवर्ती श्रावक था, उसने प्रतिमा धारण किए हुए थे, अंतिम संथरा धारण किया हुआ था, भगवान महावीर स्वामी का दबंग श्रावक था। तो उसने जिस समय पूछा तो गौतम ने कहा कि आयुष्मान श्रावक शासन के अंदर तो जो असत्य भाषण करता है उसको ही आलोचना करनी होती है और उसको ही प्रायश्चित लेना होता। उन्हें कहा भगवान अगर आपके शासन की ये व्यवस्था है तो आपको आलोचना करनी चाहिए और आपको ही प्रायश्चित लेना चाहिए। अब जब उसने इस बात को कहा तो गौतम स्वामी भी हक्के बक्के ही रहे, लेकिन उनकी विनम्रता ये थी, सरलता ये थी, भगवान के प्रति श्रद्धा ये थी, वो उपयोग लगा करके देख सकते थे, उपयोग लगा करके जान सकते थे। लेकिन जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, किसी चीज को जानना हो तो उपयोग लगाना पड़ता है, वो कोशिश करनी पड़ती है, ध्यान लगा के देखना पड़ता है। तो ऐसा प्रयोग तो करते नहीं थे,
जिस समय श्रावक ने कहा भाई आपके शासन में अगर असत्य की आलोचना करनी होती है, अगर असत्य बोला जाए तो उसका प्रायश्चित लेना लेना पड़ता है, तो आपको ही इसकी आलोचना करनी चाहिए। मैं तो प्रत्यक्ष सत्य बोल रहा हूं। तो प्रभु परमात्मा गौतम स्वामी जो है वहां से लौट करके सीधा भगवान के समुशरण में आए। उन्होंने वहां पर कुछ डिस्कस नहीं किया, कोई प्रश्न उत्तर ज्यादा नहीं किया वहां पर, कोई उन्होंने जो है किसी तरह का जो है वाद विवाद वगैरह नहीं किया। उन्होंने जिस समय श्रावक ने इतनी बात कही तो उन्होंने कुछ नहीं बोले और वो सीधा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में आए। और वो गोचरी लेकर के आए थे, गोचरी भी नहीं की। उन्हें कहा शंका कुशंका मन में होता है तो उस समय गोचरी नहीं करना। तो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में गए, जाकर के वहां पर जो पूछा और सारी स्थिति बतलाया, ऐसी ऐसी बात आज हुई और आनंद गाथापति ऐसी बात कहता, वो मैं उसका समाधान करने के लिए आपके चरणों में आया। तो भगवान महावीर स्वामी ने गौतम को संबोधित करते हुए कहा, गौतम आनंद गाथापति अंतिम संलेखना में वो सम्यक दृष्टि है और संपूर्ण साधना में उसकी आत्मा लगी हुई है। जो उसने देखा है, जो उसने बोला है, उसके अंदर कोई किसी प्रकार का मिथ्यात्व तो नहीं है, कोई असत्यता नहीं है। जो सत्य है वही उसने देखा और वही उसने बोला है। वो असत्य भाषण नहीं कर रहा हो, ये कह करके कोई असत्य वचन उसने नहीं बोला। तो जिस समय इस बात का समाधान हो गया तो गौतम वापिस वहां से आनंद गाथापति के पौषशाला में गए और जाकर के उन्होंने हाथ जोड़ करके उस संथारे में लेते हुए जो श्रावक था, आनंद श्रावक ने फिर स्वागत किया, फिर सम्मान किया और वापिस आने के लिए लाख लाख बार उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। भगवान अभी तो आपने दर्शन दिया, अभी आने की क्या जरूरत थी, इतना कष्ट सहन करके आप पधारे, आपने इतनी कृपा की, इतनी कृपा की, जो कुछ भी कहना कहा। तो गौतम ने भी हाथ जोड़ करके कहा, आनंद गाथापति मैं अपने असत्य वचन के लिए तुमसे क्षमा याचना करता हूं, मैं अपने वचनों को वापिस लेता हूं। मेरे को इतना अनुमान नहीं था गृहस्थ के अंदर रहते हुए एक आत्मा इतनी ऊंची उड़ सकती है, और ये मेरा सोचना गलत था, ये मैंने तुमसे जो कहा वो गलत था, इसलिए उसके लिए मैं क्या करता हूं, क्षमा याचना करता हूं, तुम मुझे क्षमा करो, उसके लिए आलोचना करता हूं। बंधु जिस समय इस तरह से हुआ, वो श्रावक थे उठ करके खड़ा हुआ, उसने कहा भगवान आप मेरे को शर्मिंदा मत कर, आप तो महान है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको क्षमा करूं, आप तो भगवत स्वरूप हैं, आप तो ज्ञान स्वरूप हैं। उसने तो खूब बहुमान किया, लेकिन गौतम स्वामी का जीवन कितना विनम्र था, कितने महान थे, और अपनी कमी को, अपने दोष को, अपनी कमजोरी को किस तरह से स्वीकार करते थे, इसका ये क्या है प्रत्यक्ष उदाहरण। तो भगवान महावीर स्वामी के साथ गौतम महाप्रभु का बड़ा ही जीवन जो है उच्च जीवन है, और उनका नाम स्मरण करने से ही सभी प्रकार की सुख शांति मिलती। उनका स्तवन गाते हैं, उनका छंद वगैरह गाते हैं, कभी भी घर से निकलते समय गौतम स्वामी का, भगवान का, महावीर स्वामी, गौतम स्वामी, उनका शरणा लेकर के निकलते हैं, गाड़ी में बैठते समय उनका शरणा लेकर के बैठते हैं, तो होने वाली बहुत सारी विपदाएं उससे उनकी सुरक्षा हो जाती है, एक सुरक्षा कवच हो जाता है। घर में प्रवेश करते हुए भी उनका नाम स्मरण करके,
जाते हुए भी नाम स्मरण करके, दुकान आदि अपने कार्य क्षेत्र को खोलते समय भी उनका जो है नाम स्मरण करके अगर जो हम काम शुरू करते हैं तो जीवन के अंदर मंगल ही मंगल होता है, आनंद ही आनंद रहता है, क्योंकि उनके नाम के अंदर भी बड़ा भारी बरकत है। गौतम स्वामी के नाम के अंदर भी बड़ा भारी बरकत है, क्योंकि ऐसी महान साधना करने वाले, महान आराधना करने वाले भगवान गणधर गौतम जी थे, इसलिए अपने शासन में उनको बड़े आदर सत्कार के साथ याद किया जाता है और अब बड़ा भारी सम्मान दिया जाता है। तो ये गौतम प्रतिपदा है जिस दिन से वीर निर्माण संवत प्रारंभ होता है। वीर निर्माण संवत का आज दूसरा दिवस है और कल हमारे आशीष मुनि जी महाराज साहब उनका पचखावनी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज 10:15 बजे के बाद, 9:15 बजे के बाद, पैर पूर्सी के बाद उन्होंने मास खमण का पारना संपन्न कर लिया। आराध्य गुरुदेव के सान्निध्य में उनके आशीर्वाद से उनका पारना हो गया है। ये भव्य कार्यक्रम, ये साधना के कार्यक्रम संपन्न हुए और इसके लिए आप सबको भी हम बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ, उस बात को सुनकर के गौतम महाप्रभु को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई और इधर भगवान महावीर स्वामी के शरीर का जो संस्कार वगैरह संपन्न हुआ, उस समय जिस अवस्था में भी करते हैं उस तरह से किया। लेकिन इस बात से सबसे ज्यादा अगर दुखी थे, सबसे ज्यादा जिसको तकलीफ हुई, तो उनके प्रति अपरंपार मोह रखने वाले उनके बड़े भाई नंदी वर्धन को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि जिस समय भगवान महावीर स्वामी अभी गृहस्थ अवस्था में थे, उस समय अपने पिता से भी उन्होंने लाख बार प्रयत्न किया कि आप वर्धमान कुमार को आप जो है राजतिलक कर दो, क्योंकि इसकी योग्यता इतनी है, इसकी महिमा इतनी है, इसकी बुद्धि इतनी है, इसकी पुण्यवाणी इतनी है, क्योंकि जो केवली होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, वो तो जन्म से ही जो है क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के अवधि ज्ञान के धारक होते हैं। तो ये नंदीवर्धन देखते थे कि कोई दुनिया की समस्या हो, वो नंदीवर्धन उसको क्या, वो जो वर्धमान उसको पूरा कर देता। तो इनके नाना जी थे वैशाली नरेश, कोई भी सामाजिक समस्या होती थी, कोई भी राजनीतिक समस्या पैदा हो जाती थी, क्योंकि 16-18 राजाओं के राजा थे वो, 18 रजवाड़ों के जो राजा थे वो, तो कहीं ना कहीं किसी रजवाड़े में कुछ न कुछ मुसीबतें क्या कर जाते थे। आजकल देखते नहीं आप लोग कितनी कितनी परेशानियां होती, कहीं पर कुछ आंदोलन हो रहा, कहीं पर कुछ आंदोलन हो रहा, कहीं पर कोई किसान मर रहे हैं, कहीं पर व्यापारी तकलीफ में, कहीं पर कुछ हो रहा है, रोज कोई ना कोई देश के अंदर क्या होता है। अब देश को संभालना कोई आसान काम थोड़ी है, रोज कोई ना कोई समस्याएं पैदा हो जाती है, कहीं दंगे हो जाते हैं, कहीं जाति भेद के दंगे हो जाते हैं, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है, रोज कहीं ना कहीं आफत क्या करती है, मचती रहती है, कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं सूखा आ जाता है, और रोने वाले सब जो सरकार को ही क्या करते हैं, रोते हैं। अब बाढ़ आया तो बाढ़ के ऊपर सरकार का कोई जो कंट्रोल थोड़ी रहता है, अब जो बर्फबारी हुई समय पर, अब इसमें सरकार का कोई हाथ थोड़ी है, लेकिन कोसते किसको, सरकार को ही कोसते। जो भी दुर्घटना घटती है तो उस दुर्घटना के अंदर सरकार को ही कोसा जाता है, क्योंकि जो बड़ा होता है, मालिक होता है, सबसे बड़े अहदे के ऊपर होता है, लोग सोचते हैं भाई उसी के लिए क्या करना है, चिल्लाना। और कहीं भी कोई भूकंप आता है, कोई दुर्घटना होती है, हजारों लोग मरते हैं, उसमें कोई सरकार जो बैठी हुई है उसका हाथ थोड़ी रहता,
ठीक है, इस समय चुनाव जीत करके मालिक बने हुए हैं, गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर ही सारी ऐसी थोड़ी रहती है सब कुछ ऊपर सके। लेकिन कोई भी होता है तो परेशानी तो सरकार को ही होती है, मुआवजा देना वहां से दे दो, संभालना वहां से दे दो, नुकसान हुआ वो भरपूर्ति कर लो। और प्रकृति का नुकसान तो इतना भयंकर होता है, इतना भयंकर होता है जिसकी परिपूर्ति हो ही नहीं सकती, लेकिन करना तो सरकार को ही पड़ता है, न करे आंदोलन वगैरह शुरू हो जाते हैं। अब वो भी कहां तक कर सकते हैं, वो भी वैसे टालो मटोल करके कहां कर जाते हैं, चल जाते हैं। तो ये 18 राजाओं के जो राजा थे चेतक, उनके सामने भी, और 18 राजाओं के राजा थे तो 18 देशों में कहीं ना कहीं कोई मुसीबत हो जाती थी, और कभी कभी तो ऐसी समस्या हो जाती थी, तो कैसी भी समस्या हो वो वर्धमान को बुलाते थे, अपना जो द्वेता था, बेटे के बेटे ही थे ना भगवान महावीर स्वामी, उनको बुलाते थे, उन्हें कहा वर्धमान इसका समस्या का समाधान कैसे करे। ज्यादातर तो वर्धमान को नंदी वर्धमान को नाना के पास ही रहना पड़ता था, वो कहते नहीं तुम रहो और तुम देखो, वो कहते साहब मैं क्या देखूं इसमें, आपका मंत्रिमंडल है, आपके राजा महाराजा, मेरी कोई जिम्मेवारी थोड़ी है। लेकिन वो चेतक चाहते थे ये बच्चा मेरे पास ही रहे और यही सब कुछ करे यहां पर, लेकिन उनको तो कोई ऐसा लालच था ही नहीं। लेकिन जब जब भी कोई समस्या होती थी तो चेतक महाराजा ये वर्धमान कुमार को ही बुलाते थे, और ये वर्धमान भी ऐसा था कोई भी समस्या हो उसका समाधान वो कर देते थे, नाना जी इसको ऐसा कर लो, इसका समाधान इस तरह से कर लो। तो नंदीवर्धन हमेशा देखते थे ये मेरा भाई इतना योग्य है, ये दुनिया की कोई समस्या हो उसका समाधान कर देता। इसलिए नंदीवर्धन की हार्दिक इच्छा थी कि कुंडलपुर में राज तिलक का कार्यक्रम, राजकुमार जो बनाना है, उत्तराधिकारी बनाने का जो तिलक करना है, वो सब वर्धमान कुमार का क्या कर जाए हो जाए। लेकिन वर्धमान को जब भी ऐसा पता लगता था तो पूरी तरह से काट देते थे, भाई ये आंख काम कभी भी क्या कर सकते, नहीं कर सकते, बड़े भाई साहब हैं तो मैं कैसे जय युवराज बन सकता, मेरा उसके अंदर कहां जाएगी है। और रही समस्या का समाधान, कोई भी चीज हो तो हम मना थोड़ी करते हैं। तो ऐसे नंदी वर्धन में पता नहीं कितने बार अपने पिता से, अपने रिश्तेदारों से निर्णय किया, भाई किसी तरह वर्धमान को क्या किया बनाया जाए, युवराज बनाया जाए, गद्दी का मालिक बनाया जाए। लेकिन वर्धमान तो इस दुनिया के अंदर रहने वाले ही नहीं थे। अब जिस समय माता पिता का स्वर्गवास हुआ तभी ये निकलने लगे, तब भी नंदीवर्धन ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि वर्धमान अभी तो तुम क्या करोगे, नहीं जाओ, कम से कम 2 साल तो तुम्हारे को रहना पड़ेगा। तो अपने बड़े भाई के कहने से, उनके आग्रह से 2 साल तक वो फिर दुनिया के अंदर ही रहे, वरना किसी को वैराग्य हो जाता है तो कहां रुकता है। आजकल भी बहुत से वैरागी हो जाते हैं, बहुत से लड़के लड़कियों को वैराग्य हो जाता है, माँ बाप भाई बहन दुनिया भर का जोर लगाते हैं, लेकिन एक बार होने के बाद कौन रुकता है, वो जो होते हैं जल्दी से जल्दी हमारी दीक्षा क्या कर जाए। लेकिन वर्धमान ने भी उनका इतना मान रखा, इतना सम्मान रखा, उन्होंने कहा 2 साल की बात, तो उनको तो भरोसा ही नहीं था ये 2 साल रुकेगा, उन्होंने कहा चलो आप कहते हैं तो आपकी इच्छा के अनुसार मैं रुक जाता हूं। तो नंदीवर्धन और जो वर्धमान के बीच में बड़ा भारी स्नेह था, बड़ा भारी स्नेह था, और उनकी दीक्षा हो गई। लेकिन नंदीवर्धन हमेशा दर्शन के लिए जाते थे, तो यही कारण था, इतना मोह था, इतना अपनापन था। जिस समय भगवान महावीर स्वामी का संस्कार हुआ और उसके बाद वो वहां पर बेहोश अवस्था में, बेसुर अवस्था के अंदर ही वहां पर पड़े रहे, क्योंकि सारे राजा महाराजाओं ने अपने अपने लोगों को संभाला, अपने परिवारों को संभाला, दुनिया भर के दूर से आए हुए थे,
अफरा तफरी मची हुई थी, भाई सबकी व्यवस्था करना है, सबको देखना है, सबकी सुरक्षा करना है। जितने राजा महाराजा थे वो तो सब उसमें लगे हुए थे, और ये जो कुंडलपुर के लोग लगे हुए थे, लेकिन किसी के कहने से भी ये नंदीवर्धन को होश नहीं आया, उसको चेतना नहीं आई, मतलब एक डिप्रेशन की अवस्था के अंदर चले गए। और हालात ऐसे हो गए थे, अभी ये इसका भी प्राणांत तो हो जाएगा, ये भी भगवान के साथ साथ ये भी अपने शरीर को छोड़ देगा, ऐसी हालात हो गई, ऐसी निराशा छा गई। जिस समय ऐसी हालात हुई तो वहां के जो बड़े बुजुर्ग थे, जो शुरू से जानने पहचानने वाले थे, उन्होंने कहा इसकी बहन सुदर्शना, उसको बुलाओ, ये सुदर्शना इसको समझा सकती है, क्योंकि इसने सुदर्शना की कभी बात को मोड़ा नहीं है। परिवार के अंदर या अपने कुल परंपरा के अंदर ऐसा होता है, कोई भी आदमी किसी न किसी की बात को सुनता है। अब आप लोग किस किस की सुनते हैं तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि जो बच्चे नहीं सुनते, घर वाले नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता, लेकिन आखिर के अंदर जो लोग कहते हैं, पुरानी परंपरा है, भाई किसी से भी नहीं मानता है तो चलो उस आदमी को क्या करो, बुलाओ, और उस आदमी की तो ये क्या करेगा, सुनेगा। किसी किसी के साथ ऐसा संबंध होता है, और किसी किसी के साथ इतनी घनिष्ठता होती है, उसकी बात को अगला ताल नहीं सकता। जिसने सब जो समझा करके थक गए, तो उस समय उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी बहन है सुदर्शना, उसको बुलाओ। सुदर्शना आकर के समझाए तो ये समझ सकता, अगर सुदर्शना आकर के नहीं समझाती है तो फिर ये डिप्रेशन में कुछ भी घटना घट सकती है। तो दीपावली के दिन उनका निर्माण हुआ, एकम के दिन जो भी कार्यक्रम करना कर लिया, वो सारा सारी रात सारा दिन और दूसरे सारी रात वो वहां पर जहां पर संस्कार हुआ था वहीं के वहीं रहे, वही डिप्रेशन के अंदर रहे। तो ये दूज के दिन फिर सब हार करके फिर सुदर्शना को बुलाया, उसको बुलाया। जब उसको पता लगा नंदीवर्धन वहां से उठा ही नहीं, नंदीवर्धन हिला ही नहीं है, नंदीवर्धन ने पानी की बूंद तक नहीं ली है, और नंदीवर्धन को होश ही नहीं है, और वो किसी की बात सुनता ही नहीं है, और गहरे डिप्रेशन के अंदर पड़ा हुआ। आप किसी तरह से जाकर के इस परिवार को संभालो, वरना ये सारा राज परिवार बिखर जाएगा, सारे बड़े तकलीफ के अंदर हैं, इसलिए आपको वहां जाकर के संभाल लेना चाहिए। तो फिर जो उनकी जो बड़ी बहन थी सुदर्शना, वो जहां पर भगवान का संस्कार हुआ था, जहां पर नंदीवर्धन पड़े हुए थे, वहां पर ये चल करके आई, और उसने उनको आग्रह किया, उसने उनको आग्रह किया, उनको समझाया, और उनको जो सरलता से भी समझाया, और बड़े कठोर शब्द के अंदर भी उनको क्या किया, समझाया। एक उस संबंध में एक भजन तो है, कवि ने किया हुआ है, लेकिन टाइम आप लोगों का हो चुका है, क्योंकि 8 से 9 से 10 बजे तक का टाइम है, इसलिए वो कवि उसको सुनाएंगे। तो उस बहन के समझाने से, उस बहन के कठोर शब्दों से, प्यार से, जैसे भी समझाया जा सकता है, समझाने से नंदीवर्धन ने कहा, बहन अगर तू कहती है तो चलो भोजन कर लेता, तू कहती है तो चलता, तू कहती है उसको मैं टाल नहीं सकता, तूने इतना कहा है तो तेरी बात को मैं टाल नहीं सकता। तो नंदीवर्धन ने अपनी बड़ी बहन की बात को सुन करके उसने पार न किया, मुंह के अंदर पानी का बूंद लिया, घर चलने के लिए तैयार हो गए। उसने तरह तरह से समझाया, उन्होंने कहा नंदी तेरा भाई थोड़ी मरा है, ये तो संसार का एक परमात्मा गया है, और लोग कितने दुखी हैं, तुम्हें उसको संभालना चाहिए या इस तरह से रोना चाहिए।
और जाने वाले की आत्मा की शांति तभी होती है जब उसके काम को कोई पिछला क्या करे, आगे बढ़ाए। उन्होंने जो काम शुरू किया, उन्होंने को धर्म की स्थापना की, उसकी सेवा करना, उसका प्रचार प्रसार करना, ये तुम्हारा काम है। अब ऐसे रो करके बैठने से थोड़ी होता, ये कोई तरीका थोड़ी है, ये तुम्हारा पौरुष थोड़ी है, ये कोई राजा का काम थोड़ी है। ऐसा जब उन्होंने अच्छी तरह से समझाया तो नंदीवर्धन राजा क्या हुआ समझ गया, उठ करके बैठा, मेरी गलती हो गई, तूने समझाया, मैं चलता हूं। और तुमने जो कर्तव्य का बोध कराया है और उसी रास्ते के ऊपर चल करके भगवान की सेवा करता हूं। तो नंदीवर्धन को समझा करके उसने पारना करवाया। तो इसी पर्व की स्मृति में तो सब लोग ये हुए, भाई राजा ने समझाने से नहीं हुआ, मंत्रियों के समझाने से नहीं हुआ, माँ बाप के समझाने से नहीं हुआ, भाई बहनों के समझाने से नहीं हुआ, लेकिन एक बहन ने उस राजा को क्या किया, समझाया। तो लोगों को ये लगा भाई बहन का भी कितना बड़ा क्या है हाथ होता है। तो जैसे उस समय दीपमालिका की थी, आने वाले वर्ष में भी उन्होंने दीपमालिका की, और वही दीपमालिका का पर्व जो चलता रहा, संवत्सर का दिन उस समय संवत्सर नया वर्ष शुरू होता रहा, और संवत्सर के दूसरे दिन सभी राजाओं ने अपनी अपनी बहनों को अपने घर में बुला करके उनके हाथ से प्रसाद लिया, भोजन किया, या बहनों ने भाइयों को खिलाया पिलाया, उनको समझाया, उनका तिलक किया। तो जैसे नंदीवर्धन को बहन ने समझाया था, ऐसे ही ये परंपरा उस समय से क्या करी चल पड़ी भैया दूज की। तो उस समय की स्मृति में वो जितने भी उस समय के राजा महाराजा थे, जिस समय वहां पर लोग थे, उन्होंने राजाओं ने भी ऐसे ही किया, और उनके जितने श्रावक श्राविकाएं थे, जितने परिवार थे, उन लोगों ने भी ऐसे ही किया। तो उस समय में दीपावली का ऐसा चला, गौतम प्रतिपदा का ऐसा नया वर्ष का चालू हुआ, और ऐसे ही भैया दूज का कार्यक्रम ऐसे क्या हुआ प्रारंभ हुआ। तो ये हमारे संस्कृति के अंदर ऐतिहासिक घटनाएं हैं। तो वास्तव के अंदर चालू तो उसी समय हुआ था, लेकिन अब कोई किसी मान्यता से कर लेते हैं, कोई किसी मान्यता से कर लेते हैं, ये दुनिया के अंदर चलता रहता है। लेकिन अपने सारे प्रसंग, ऐतिहासिक प्रसंग इस दीपावली महापर्व से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो आप सभी ने आए, और आज के इस प्रसंग में आप लोगों ने भैया दूज का ये जो छोटा सा प्रसंग है इसको सुना। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं, बड़े प्रेम से बड़ी सद्भावना से आप लोग बोलेंगे, मिलता है मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवारे, जीवन
के जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से जोड़ संबंध प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से मिलता है आनंद प्रभु बहुत से क्षेत्रों से श्रावक श्राविकाएं धर्मसभा में आए हुए हैं। ठेठ कलकत्ता से मां गुणवंती बहन परिवार यहाँ पर आया हुआ है, बम्बई से आए हुए हैं। डॉक्टर नीलम चंद जी बनवट अपने परिवार के साथ मलकापुर से यहाँ पर आए हुए हैं। डॉक्टर नरेंद्र जी खटोड़ और डॉक्टर लुणावत जी ये सब औरंगाबाद से यहाँ पर आए हुए हैं। डॉक्टर नीलेश जी वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये सभी लोग अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। और ठेठ बेंगलोर से किरण जी पुनमिया वो भी यहाँ पर आए हुए हैं अपने परिवार सहित, जो हमेशा साधु संतों की सेवा में रहते हैं, धर्म भावना रखते हैं। और इसी प्रकार से दिल्ली ऋषभ बिहार से श्री राजीव जी जैन वो भी यहाँ पर परिवार सहित आए हुए हैं। आप जैन कॉन्फ्रेंस के करीबन हर साल किसी न किसी पद के पर रहते हैं। और दिल्ली महानगर में क्योंकि आज 100 से ऊपर वहाँ पर थाने के, 70 से ऊपर वहाँ पर चतुर्मास होते हैं। और ऐसा जहाँ पर बड़ा क्षेत्र रहता है तो वहाँ कोई न कोई समस्या भी क्या होती है, पैदा होती रहती है। और हमारे राजीव जी ऐसे हैं, कहीं भी कोई समस्या पैदा हुई है तो उसके समस्या का समाधान करते हैं। कभी साधु सतियों की तरफ से, कभी श्रावक श्राविकाओं की तरफ से, और आजकल क्या है, ईर्ष्या है, द्वेष है, घर घर के अंदर झगड़े हैं, कोई ना कोई समस्या कहीं ना कहीं क्या होती है। तो राजीव जी का ऐसा रहता है, प्रेम बढ़े, प्यार बढ़े। आप श्रवण संघ के वरिष्ठ जो श्रावक हैं, लेकिन जहाँ पर भी कोई समाज और साधु साध्वियों में कहीं भी कोई तकलीफ हो तो आप सबसे पहले उसका समाधान करते हैं। ये हमारे समाज के लिए बड़े बड़े गौरव की बात है, क्योंकि वरना आजकल हर कोई कहाँ सुनता है किसी की बात। बेटे बाप की नहीं सुनते, भाइयों की नहीं सुनते, घर परिवार में रिश्तेदारों की नहीं सुनते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बातों को सब सुन लेते हैं। चलो भाई आप कहते हैं तो ये भी बड़ी साधना होती है। राजीव जी आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। और लातूर से भी हमारे श्रावक श्राविकाएं आए हुए हैं, उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पीछे जो हमारे संतों का चतुर्मास भी हुआ है, लातूर से महाराष्ट्र से भाई बहन आए, सभी श्रावक श्राविकाओं को बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। और आगे फंक्शन आप लोगों का एकासने का आ रहा है 11 तारीख को। और ये एकासने का कार्यक्रम हमारे चला रहे हैं जैन युवा परिषद के युवक। और वही काम कोई भी कार्यक्रम लेते हैं तो सवाया ही क्या करता है होता है, वो कम तो होता नहीं है, सवाया ही होता है। और ये पिछले 30 साल से 25 साल से सेवा का, अन्नदान का, या जो शिक्षा के दान का, पुस्तकों को देने का, प्रश्न मंच आदि का, ऐसे बहुत से कार्यक्रम जो हमेशा करते आ रहे हैं। और पीछे भी कई कार्यक्रम उन्होंने संपन्न किया। और ये 11 तारीख के एकासने का कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम भी जैन युवा परिषद की तरफ से जो है बड़ा मेहनत करके उसको संपन्न किया जा रहा है। तो उनकी तरफ से सबको आग्रह है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा एकासना करना चाहें आप लोग जरूर उनको नाम दें और पर्ची वगैरह लें, जिससे आप लोगों की पुण्यवाणी बढ़े। और 12 तारीख को ज्ञान पंचमी का दिवस है, 12 तारीख को
12 नवंबर को सबसे बढ़िया दिन है ज्ञान पंचमी का, और इसी को लाभ पंचमी भी कहते हैं। ज्ञान पंचमी भी है और लाभ पंचमी भी है, और ज्ञान तो सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, और उसके साथ साथ लाभ हो जाए तो फिर तो क्या कहे ना। तो ज्ञान पंचमी का, लाभ पंचमी की आराधना साधना भी सबको कर लेनी चाहिए। और ये 15 दिन में सुदी पंचमी को अगर उपवास करते हैं, और सुदी पंचमी को एक महीने के बाद, और एक महीने के बाद सुदी पंचमी आती है, और सुदी पंचमी को उपवास करते हैं या पौषध करते हैं या निर्जल उपवास करते हैं, उपवास करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है तो कोई जो आंगिल कर लेते हैं, एकासना कर लेते हैं, और नमो नानस्य का विशेष रूप से जाप करते हैं, और उस दिन ज्ञान के जो साधन है जैसे पुस्तक है, पेंसिल है, ठीस है, उसके लिए कुछ न कुछ निकालते हैं, तो उनके अंतराय कर्म कटता है। ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, इनका 6-6 उपशम होता है, और जिनको नहीं चढ़ती है बुद्धि उनकी चढ़नी शुरू हो जाती है। बच्चों के नाम पर निकाला जा सकता है, बच्चों के नाम से निकाला जा सकता है, भाई इनकी बुद्धि अच्छी हो, इनका सोच अच्छा हो, ये अच्छी पढ़ाई करें, और घर परिवार के अंदर अच्छी तरह से लाभ हो, उस भावना से भी किया जा सकता है। तो ज्ञान पंचमी का बहुत लोग क्या करते हैं, आराधना साधना करते हैं, और ज्ञान पंचमी की जो साधना शुरू की जाती है तो यही दीपावली के 5वें दिन बाद में लाभ पंचमी को जो शुरू किया जाता है, कार्तिक शुक्ला पंचमी को बहुत से लोग करते हैं। एक महीने में एक उपवास करना है या एक महीने में एक आयंगिल करना है, और उसके अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा जो कुछ भी कर सकें उस दिन अगर करते हैं तो सब प्रकार की सुख शांति रहती है। और इसमें जो है 5 वर्ष और 5 महीने का समय लगता है, 5 वर्ष 5 महीने, तो 5 वर्ष 5 महीने में ये ज्ञान पंचमी की तपस्या परिपूर्ण हो जाती है। अगर बीच में अंतराय न पड़े, अगर 5 साल और 5 महीने इसके अंदर हो जाए तो इसका परिणाम बहुत ही अच्छा रहता है। इसलिए जिस किसी ने भी शुरू करना हो तो आप लोग 12 तारीख से इस तपस्या को प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ कुछ दिनों का बड़ा महत्व रहता है, उस दिन कुछ करते हैं तो इसका विशेष महत्व रहता है। तो ऐसे ज्ञान पंचमी अपने आप में अद्भुत है, इसी को लाभ पंचमी कहते हैं, काम कारोबार के लिए और बुद्धि के विकास के लिए और अपने जीवन में ज्ञान की वृद्धि के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। जो कोई भी शुरुआत करना चाहे तो उस दिन जरूर कर सकते हैं ज्ञान पंचमी की आराधना साधना। तो अभी तो यही कार्यक्रम है, आगे जो है फिर चतुर्मास के आखिरी दिन ही रह रहे हैं, और व्याख्यान का समय है 9 से 10 बजे तक का, तो इसलिए ठीक टाइम पर आने का आप लोग प्रयत्न करें। आज थोड़ा सा लेट इसलिए हुए, हमारे आशीष मुनि जी महाराज साहब का पारना करवाना था, तो उनके पैर पूर से आने के बाद पारना करवा के आने में 10-15 मिनट का लेट जरूर हुआ है। तो टाइम पर आकर के प्रभु की वाणी को सुनने का प्रयत्न करें। आप लोगों की पुण्यवाणी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक सूचना भी है, पारना तो हो गया है, और पारने के बाद थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, और वो थोड़ा अंदर है तो बार बार उनको उठाने का प्रयत्न न करें, दरवाजा खटखटाना नहीं, जिससे उनको कोई परेशानी वगैरह तकलीफ वगैरह क्या हो, क्योंकि 2-3 दिन निकलने के बाद तो फिर आराम से सेटिंग हो जाती है। तो आज ही पारना हुआ है तो मंगल कामनाएं कर सकते हैं, सद्भावनाएं दे सकते हैं, भाई उनका पारना ठीक ठाक हो, स्वस्थ अच्छा हो, फिर दर्शन तो आप लोगों को होते रहेंगे। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। आज के प्रत्याख्यान, आज का एकासना, अगर किसी भी भाई बहन का एकासना हो तो आज के एकासने का बचखान,
आज का एक आसने का बचकान अरियंत वो सरे वो सर। आज के आयंगिल का प्रत्याख्यान अगर किसी भाई बहन का आयंगिल हो, आज के उपवास का प्रत्याख्यान और किसी भाई बहन का आज का उपवास हो, आज के उपवास का प्रत्याख्यान आज का तिव्यार उपवास अरियंत बड़ी कौन वो सरे वो सर। तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को अब समाचार। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साऊ लघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मोलुत्तमो चत्तारि शरणं भवज्यामि अरिहंते शरणं भवज्यामि सिद्धे शरणं भवज्यामि साऊ शरणं भवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं भवज्यामि
ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो अब प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल होगा अम्बुष्टे अमृत वश लब्धितणामला श्री गुरु गौतम सुमरिये मनवांछित फल दाता भावे भावन भाइये भावे दीजे नाम भावे धर्म राधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निर्वाण तिघुतो।